अलैकुम। ये है कि आज छुट्टी का दिन था तो अभी आँख खुली है क्योंकि आपको पता है सुबह भी शॉप जाना पड़ता है, अभी तरावी के बाद भी शॉप जाना पड़ता है, उसमें थक जाता हूँ ना। तो जब एक छुट्टी मिलती है इतवार की तो उसमें बस नींद या नींद ही पूरी करता हूँ। मतलब ये है कि सुबह की नमाज़ भी आज निकल गई चक्कर में, क्योंकि 3 बार सुबह की नमाज़ निकल चुकी है, अल्लाह माफ़ करे। और यह है कि आज कसा करनी पड़ेगी जोर आज भी। वजह ये है कि आपको पता है रमज़ान में रूटीन सारी चेंज हो जाती है ना, सोने की उठने की। तो कहने का मकसद है तो नींदें पूरी नहीं होती। खैर, भी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और असर की नमाज़ पढ़ ली माशाल्लाह मैंने। और यह है कि आज अभी व्लॉग स्टार्ट किया है, बस रमज़ान की थकन की वजह से है कि आँख नहीं खुलती बस, और कोई हिम्मत ही नहीं होती उठने की कि उठूँ। बाकी है कि व्लॉग की तरफ चलते हैं। और ये मुन्ना भी आ गया है। मुन्ना हाय करें, इधर देखो, हाय करो, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना, देखो इतना प्यारा हो गया मछली। सलाम करो वापिस, बोले आप कैसे हैं? भाई मुन्ना बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अच्छा चलें, अब हम ब्लॉग की तरफ चलते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। नमाज़ पढ़ के अभी बाहर निकले हैं क्योंकि मुन्ना मुझे कल से बोला भाओ काओ दिखा दो, काओ दिखा दो। तो मैंने चलो आओ काओ देख कर आते ना, हमारे घर की पीछे वाली गली के अंदर ना काओ आई थी ना, तो हम काओ देखने आ रहे। मुन्ना कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? काओ देखने जा रहे हो? भाई ये हमारा नॉट टाउन है। और वो जूम करो, वो देखें, वो सैम आर बिन विलास सोसाइटी है, वो रही ऑरेंज वाली ना, सैम आर बिन विलास सोसाइटी है। पहले हम वहीं रहते थे, 3 साल वहाँ रहे हैं और अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए नॉट टाउन में। अभी अभी हम शिफ्ट हुए नॉट टाउन में ना, 3 साल पहले हम वहीं रहते, 3 साल तक हम वहाँ रहे हैं सैम आर बिन विलास सोसाइटी में। और अभी हम नॉट टाउन शिफ्ट हुए, अभी हमें नॉट टाउन शिफ्ट हुए भी शायद 5 महीने होंगे मेरे ख्याल से, 4-5 महीने होंगे। देखें घर कितने खूबसूरत बनाए हुए लोगों ने, यहाँ पे सब ने अपनी मर्ज़ी के घर बनाए हुए और खूबसूरत बनाए हुए। और सैम में तो ये था कि जो मतलब वहाँ के बिल्डर ने बनाया है ना, वैसे ही घर सबके बनेंगे ना। और यहाँ पे सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के बनाए, जैसे बनाए बनाए मना नहीं यहाँ पे ना, सब अपनी मर्ज़ी का बना रहे हैं ना। कहाँ है मुन्ना, कहो कहाँ है? गली गली में थी। ओ याद भी है आपको, वाह भाई वाह। देख रहे हमारे मुन्ने को, हमारे मुन्ने को आप देखें, उसको हर चीज़ याद रहती है। उसको एक बार जहाँ ले जाओ ना माशाल्लाह, सब जगह उसको याद रहेगी, बाबा इस गली में ये, इस गली में वो। अब उसकी नन्ना घर जाओ तो उसको याद रहती है नन्ना घर, उसके बड़े दादा घर जाओ उसको याद रहता है बड़े दादा घर, इस गली में सब याद रहते हैं ना मुन्ना आपको। आप कुछ नहीं बोलते ना मुन्ना, लेकिन काओ तो गई भी है यार, काओ घूमने गई भी मुझे लग रहा है। इस घर में थी ना काओ, मुझे लग रहा है काओ घूमने गई भी मेरी जान। माशाल्लाह मुझे पर्सनली यहाँ पे घर इसलिए पसंद है क्योंकि अपनी मर्ज़ी के बने हुए, सब ने अपनी मर्ज़ी के बनाए हुए, लेकिन बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त घर बनाए, किसी ने अच्छा बनाया हुआ, किसी ने कैसा लुक दिया हुआ, किसी ने कैसा लुक दिया हुआ। एक घर यहाँ इतना खूबसूरत बना हुआ है, बड़ा नॉर्थ टाउन का सबसे खूबसूरत घर में आपको भी अभी तो दिखाई नहीं जाता, बड़ा दूर है, पैदल नहीं जा सकता वहाँ पे, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा घर भी। हाँ यहाँ आती काओ तो, काओ कहाँ है भाई? भाई यहाँ से काओ कहाँ गई? अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से काओ कहाँ गई, कहाँ पे गई आप बताओ हमारे को। चलो मुन्ना वहाँ ढूंढ के लाते हैं काओ को। भाई मुन्ने की काओ तो कहीं घास खाने गई हुई है। और बाकी मैं उस घर का बता रहा था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त घर बना हुआ नॉर्थ टाउन का, बहुत खूबसूरत घर है वो। तो कहने का मकसद ये है कि कभी वहाँ जाना हुआ तो आपको दिखाऊंगा, अभी तो बहुत दूर है वो, तो अभी अभी तो जा नहीं सकते, अभी हिम्मत नहीं हो रही रोज़े में, कभी जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अभी हम जा रहे हैं मुन्ने की काओ देखने, मुन्ना की काओ देखने आ रहे हैं। घास खाने गई है भैया, क्या बोल रहे थे? घास खाने गई है भैया बोल रहे थे भाई, हमें अभी छोटे भैया मिले थे, वो कह रहे हैं घास खाने गई हुई है काओ। वैसे एक बात है, शाम का माहौल ही बिल्कुल अलग होता है माशाल्लाह ना, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। और इस बार तो हकीकत है 15-20 रोज़े ऐसे गुजरे पता नहीं चला रमज़ान का ना, बाकी बाद के रोज़ों में थोड़ा गर्मी वर्मी लगी। हाँ हाँ बाकी गर्मी वर्मी लगी बाकी रोज़ों में, खैर वो भी निकल गया लगा, शुक्र है एहसान है। बस सब तो 5 रोज़े रह गए बस। मुन्ना यार पता नहीं कहाँ गई हुई वो काओ, देखो ना कहाँ गई है, मुझे लग रहा है वो नहीं वहाँ पे भी नहीं है।
वो आराम से, आराम से मेरा बेटा, आराम से गाड़ी आ रही थी। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ पकड़ो मेरा। देखते हैं ना हम कहाँ है काऊ। मुन्ना यार मुझे तो लग नजर ही नहीं आ रही कहीं काऊ। पता नहीं कहाँ चली गई काऊ। अभी आप देखो ना, अगर आपको दिखे तो मुझे बताओ। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आई लव GFS नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी, ये लिखा हुआ। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। और ये है कि मुन्ना मुझे काऊ तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। माशाल्लाह घर ही बड़ा प्यारा बना हुआ है मुन्ना भाई। दूर दूर तक काऊ कहीं नजर नहीं आ रही। मेरा बेटा पैदल पैदल लेके घूम रहे हो आप, हैं? वो घर जो मैंने आपको बताया था वो घर आ गया है, पर इतना दूर मैं नहीं जा रहा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। घर बड़ा खूबसूरत बना हुआ, कभी करीब से आपको उसकी वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, रही। मुन्ना एक मिनट, मुन्ना एक मिनट बेटा, एक मिनट। इनको मैं घर तो दिखा दूँगा, घर अच्छा है, कोने वाला ये घर है। ये जूम पर भी इतना खास नज़र नहीं आ रहा इस वक्त तो। घर बड़ा खूबसूरत बना हुआ, नॉर्थ टाउन का सबसे अच्छा घर है ये। कभी मेरा जाना हुआ करीब तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा इंशाल्लाह। आओ मुन्ना इधर आओ, उधर देखे, उधर देखे, उधर होगी, उधर आओ, आगे आगे चलो, आगे चलो। मुन्ना भी ज़रा सबको सलाम तो करें आप। बोले कैसे हैं आप? अब बता, पूछो तो कैसे हैं आप? मुन्ना बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुन्ना सब बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मुन्ना पूछ रहे हैं आप ठीक हो? आपका रोज़ा है आज? तो आपका रोज़ा तो नहीं है ना? कहाँ रोज़ा है? रोज़ा है तो रोज़ा होता था फिर भूख थोड़ी लगती रोज़े में भाई। रोज़े में जूस पी रहे थे आप, हैं? आपका फिर कहाँ से रोज़ा हो गया? भाई मुन्ना बोल रहा है कि मेरा रोज़ा है और बाबा को कह रहा था मुझे भूख लग रही है। मुझे कब से उठा रहा बाबा, उठिया भूख लग रही है। मैंने मुन्ना सोने दे, एक ही छुट्टी आती है, इतनी मुश्किलों से छुट्टी मिलती है, उसमें भी सोने नहीं देता, तंग करता ये। मुन्ना कहा तो कहीं भी नहीं है यार, भाव तो कहीं भी नहीं है मेरी जान। अब क्या घर चलें? उधर से तो आए हम। चलाओ भाई, भैया से पूछते हैं वाले, आ जाओ आप। चलो तो आ, तो चला ही नहीं आ रहा, भागो तो। मुन्ना आप काऊ को हाथ लगाओगे? काऊ को हाथ लगाओगे? नहीं नहीं, आज तो हाथ लगाना काऊ को, आज तो हाथ लगाना काऊ को। अरे यार काऊ कहीं नहीं है, मुन्ना घुमा घुमा के लग रहा है, थका देगा, रोज़ा लगा नहीं, आज लगा देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप डरते सबसे हो भैया, काऊ तो कहीं नहीं है। अबे यार ये कह रहे हैं इनके बाबा काऊ को निलाने गए। अच्छा, बाबा काऊ को लेने गए हुए, नीचे छोड़कर आ गए थे। तो मुन्ना अब ना हम शाम में आएंगे, कहना शाम में आओ फिर आएगी काऊ, बहुत दूर गई भी। आ जाओ इधर चले, बनाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत दूर गई हुई है ना। अब मुन्ना छोटे भाई को शेकिंग करें, भाई से मिलना आपको? नहीं। वाले भाई से नहीं मिलना? वो देखो इतना अच्छा मुन्ना खड़ा हुआ है भाई। देखें यहाँ काऊ खड़ी होती है और अभी गई हुई है। मुन्ना भाई से हाथ तो मिला लो, वो भाई वो खड़े हुए छोटे भाई, ये रहे छोटे मुन्ने। जाओ जाओ, चलो आप चलो, मैं आपको देख रहा हूँ ना, आपकी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा मैं खड़ा हूँ, चलो जाओ जाओ। देखो मुन्ना छोटा भाई, अच्छा मैं रुक गया, चलो आप चलो, मैं भी चल रहा हूँ ना, वापस आ जाएंगे ना हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं मुन्नी आप? ठीक है। आओ ना काऊ देखें, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो मुन्ना तंग कर रहा है। मुन्ना यार, मुन्ना तंग नहीं करो, मुन्ना वो कह रहे हैं काओ नीचे गई हुई है, वो नीचे गई हुई है काओ, वो लेने गए उनके उनके बाबा ना काओ को लेने गए हैं, समझ नहीं रहा। काओ कह रहे हैं वो नीचे गई हुई है खाना खाने, घास खाने, उसको लेने गए हैं, समझ रहा बाबा। घूमो घूमो घूमो, घुमा घुमा के लग रहा है रोज़ा लगा देगा जी मुन्ना। हे बहुत मज़ा आ रहा है मेरे बेटे को, बहुत मज़ा आ रहा है आपको।
भाई माशाल्लाह मुन्ना कल मेरे साथ, मुन्ना आपने बताया नहीं कल आप तराई पढ़ने गए थे, बताओ। ये कल तराई पढ़ने गया था मेरे साथ और फजर की नमाज़ भी पढ़ने जाता है और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ने जाता है। बहुत अच्छा बच्चा है ये, है ना मुन्ना, बहुत अच्छे बच्चे हो ना आप। बस चलो मतलब चलते सही है। नहीं नहीं बस चलते हैं, मैं भी थक गया भाई। प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब उन्होंने बोला मगरिब के बाद आओ, भैया ने बोला मगरिब के बाद आओ, तो आओ आओ ना भाई। उन्होंने बोला मगरिब के बाद आओ, मैं आपको काउ दिखा दूंगा। तो अब हम चलते हैं और ये है कि यार ये नहीं जाने दे रहा, देखो ब्लॉग ना तंग नहीं करो मेरे को यार। और आप लोगों से खुसूसी बात ये करनी थी कि आप लोग भाई को ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुन्ना अब इनको बोलते नहीं हो ये लाइक करें, पापा को बोलो लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, बोलो। आप लोग करते ही नहीं हो हमारे को, हमें करते ही नहीं हो, बोलो। लोग कैसे फैन हैं आप लोग हमारे भाई। मुन्ना भी नाराज़ हो गया, मैं नाराज़ हो गया ना अब इनसे, बोलो मैं नाराज़ हूँ, कट्टी कर लो मुन्ना, कट्टी कर लो। मुन्ना बोल रहा है मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं अब कभी वीडियो पे नहीं आऊँगा, वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। वीडियो भी नहीं बनाओगे अब, कह रहा है मैं वीडियो भी नहीं बनाओगे, कह रहा है बस मैं काउ साथ करूँगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये ना हमें लाइक करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना हमें कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। तो मुन्ना बोल रहा है मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, नाराज़ हो गया ना मुन्ना। मैं कह मुन्ना बोल रहा है मैं इनसे बात नहीं करूँगा, तो मुन्ना नाराज़ हो गया आप लोगों से। तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम चलते हैं अफ्तारी की तरफ, क्योंकि काओ अभी है नहीं, शाम में काओ आएगी तो आपको ज़रूर उसमें व्लॉग भी दिखाएं काओ। तो अब चलते हैं हम अफ्तारी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी हो गई है और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली माशाल्लाह। बस ये है कि जो शॉप पे न्यू स्टॉक आया था उसके मैं आपको व्लॉग दिखा देता हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह नया स्टॉक आ गया कैटलॉग का, 1 2 3 4 डिज़ाइन, ये रहा माल बाकी। इंशाल्लाह आज ही शॉप भी पहुँच जाएगा हमारी इंशाल्लाह। इस डिज़ाइन में ये कलर आया हुआ है पिस्ता और एक पीच, और इस डिज़ाइन में एक ये फिरोजी कलर और ब्लैक कलर, ये वही कैटलॉग के पीस हैं जिसके ब्लैक एंड वाइट ख़त्म हो गए, अभी दो डिज़ाइन आ गए माशाल्लाह से। अभी दुकान पहुँचा हूँ और तराई पढ़ के फारिग हो गए, दुकान है और आपको आज का डिस्प्ले दिखाते हैं, जो डिस्प्ले नया बनाया आज का ना, डिस्प्ले आपको आज का दिखाते हैं। आज का ये डिस्प्ले अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुआ, रोज़ डिस्प्ले चेंज होता है हमारा ना, कभी एक दो दिन छोड़ के भी होता है, और डमियाँ तो रोज़ ही चेंज होती है हमारी ना, ये डमी हमारी चेंज हुई है माशाल्लाह, नया कलर नया डिज़ाइन, क्योंकि ये नया डिज़ाइन आया हुआ है जो कल मैंने उठाया आपको दिखाया नहीं था, ये शर्ट में बहुत प्यारा डिज़ाइन आया हुआ है, और ये ऊपर का डिस्प्ले भी चेंज हुआ है माशाल्लाह से। और आपका अल्लाह भला करे, ये रहा कैटलॉग वाला डिज़ाइन ना, ये पूरा डेमो हुआ है। बाकी है कि इंशाल्लाह अभी तो मैं आया हूँ शॉप पे, तो थोड़ी सी वीडियो बना ली, अब इंशाल्लाह रात को फारिग होकर सही से व्लॉग बना दूँगा इंशाल्लाह। दुकान से ना कस्टमर से फ्री हूँ, तो मैंने बताया था कल माल जो उठाया था उस टाइम मैं आपको इंशाल्लाह डिस्प्ले कर दिया, पीस मैं आपको डिस्प्ले पीस दिखाता हूँ कैसा लग रहा है वो पीस ना। ये देखें डिस्प्ले कर दिया इसका पर्पल कलर, ये देखें ये पर्पल कलर है इसका, ये इंडियन सूट है ये, इसके दुपट्टे कंट्रास्ट दुपट्टे होंगे एम्ब्रॉयडरी वाले, और शर्ट पूरी भरी भी होगी एम्ब्रॉयडरी से ना, और इसके अंदर 6 कलर हैं, 2 पीस आता है, ये 6 कलर है इसके अंदर और 3 डिज़ाइन है, 6 कलर है ना। अब इसके कलर ये रहे जो डेमो दिखाया ना आप, उसके कलर ये रहे ब्लैक मैरून नेवी ब्लू रेड वाइट, और इसके ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है, और माशाल्लाह ये डिज़ाइन भी कल ही आया था और अल्लाह के करम से ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 ही कलर रहेगा इंशाल्लाह, कल फिर रिपीट ले आऊँगा मैं इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि बस आप शॉप बंद करेंगे और व्लॉग एंड करते हैं इंशाल्लाह, बाकी व्लॉग एंड करते हैं और आपको इंशाल्लाह इसका रात को ये अपलोड व्लॉग अपलोड कर दूंगा। तो बस आप व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि घर पहुँचेंगे सहरी का टाइम हो जाएगा, सहरी वहरी करेंगे इंशाल्लाह, फिर सुबह न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम।